बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन फिनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से है। फिनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेट प्रॉफिट। ब्रीफली हमारा ये सेशन होगा, कोई वन पेपर के फोकस करते हुए ये हमारा जो सीरीज़ चल रही है उसका आज का हमारा ये लेक्चर है। कोई भी ऐसा वन पेपर टेस्ट नहीं होता जिसमें नेट प्रॉफिट के मुताबिक कोई आपसे सवाल ना पूछा जाए। सो नेट प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर भी है, किसी भी कंपनी किसी भी बिज़नेस को आपने उसकी परफॉर्मेंस को जज करना है तो सबसे पहले आप उसके नेट प्रॉफिट की रेशियो के हिसाब से देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, पिछले साल में, उससे पिछले साल में, पिछले 10 साल का, पिछले 20 साल का, 15 साल का, जो भी डाटा बेसिस है वो आपको हेल्प करती है समझने में कि अगर इस कंपनी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना रिस्क लेना होगा, कितना प्रॉफिट है, क्या आपका हिसाब किताब चलता है। सो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक विद इन कंपनी और आउटसाइड द कंपनी, हर एक का इंटरेस्ट इसी में होता है कि वो पहले देख ले कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स किस तरीके से चल रहे हैं। अगर लेट्स सपोज एक कंपनी लॉस कर रही है तो कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, और अगर एक कंपनी 100% श्योर है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो हर कोई उसमें इन्वेस्ट करने की एक जो है वो उसमें दिलचस्पी लेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उसके शेयर खरीदेंगे, शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी और इन्वेस्टर भी बिला खौफ व ख़तर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, एक कंपनी है लेट्स सपोज वो एक 10 मिलियन प्रॉफिट अर्न करती है, अगले साल उसका टारगेट होगा कि वो 20 मिलियन तक कैसे पहुंच सकते हैं, 15 मिलियन तक कैसे पहुंच सकते हैं, और अगर 15 मिलियन होगा तो 20 मिलियन कैसे कर सकते हैं, 20 मिलियन है तो 25 मिलियन कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनका एक जो मोटिव है वो प्रॉफिट को इन्हेंस करने के हिसाब से चलता रहता है। सो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इटसेल्फ है क्या कि नेट प्रॉफिट ये है कि जितनी भी आपके बिज़नेस के ऑपरेशन हैं उनको उनके खर्चे निकालने के बाद जो आपका प्रॉफिट बच जाता है वो आपके शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम ज़्यादा अभी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ से आपके सोर्सेज होते हैं, उस नीटी ग्रिटी में अभी हम नहीं जाते, हम सिर्फ फोकस रखेंगे नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट आप ये समझ लें कि जितनी आपकी सेल्स होती हैं वो आपकी गुड्स की हो सकती हैं, वो आपकी सर्विसेज की हो सकती हैं, वो आपने कहीं पे अपने प्रॉफिट्स को किसी बैंक में रखा हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है। कोई आप अपना पुराना एसेट बेचते हैं और उसकी बुक वैल्यू लेट्स सपोज 10,000 शो हो रही थी तो 20,000 की आप वो सेल आउट करते हैं तो उस पे जो प्रॉफिट होगा, तो जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं या रेवेन्यूज़ हैं उनको आप ऐड करते जाते हैं, और जितने भी फिर आपके खर्चे होते हैं जो चीज़ आप प्रोडक्ट या सेल करते हैं सर्विस उसकी जितनी आपको कॉस्ट पड़ती है वो भी माइनस करते हैं, कंपनी के ऑपरेशन को रन करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करने के लिए, जो आपकी मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन के चार्जेस माइनस करने के बाद, जो आपके पास टैक्सेस वगैरह पे करते हैं वो माइनस करने के बाद जो आपके पास बच जाता है वो नेट प्रॉफिट होता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, हम इसको गो थ्रू करते जाएंगे और इस टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको हम देखते हैं, वो टेस्ट आपका होगा। सो इस टॉपिक को आपने इंटरेस्ट के साथ अंडरस्टैंड करना है। जो मैंने आपको समरी बताई है वो आपको हेल्प करेगी, अगर ये बातें आपको समझ आ गई हैं तो आगे जो हम टेक्स्ट रीड करेंगे उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो नेट प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, ये इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको अगर आप सही तरीके से समझ लें तो बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में ठीक हो सकते हैं। नेट प्रॉफिट इज फंडामेंटल फिनेंशियल मैट्रिक दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लेफ्ट, यानी कि टोटल रेवेन्यू उसमें से माइनस करेंगे खर्चे तो जो रेवेन्यू लेफ्ट हो जाएगा उसको नेट प्रॉफिट कहेंगे। लेफ्ट ओवर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक, यहाँ पर मैं एक पॉइंटर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। नेट प्रॉफिट इज अ फंडामेंटल फिनेंशियल मैट्रिक दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लेफ्ट ओवर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज इंकर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक वो छः महीने का हो सकता है, साल का हो सकता है, दो साल का ड्यूरेशन हो सकता है, कुछ भी हो जो पीरियड आपने डिटरमिन करना है, नॉर्मली वन ईयर का होता है। इट इज़ क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ कंपनीज फिनेंशियल हेल्थ एंड एफिशिएंसी एंड जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, किसी भी कंपनी की हेल्थ को चेक करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए ये एक बेसिक इंडिकेटर है। अगर डिफाइन करना पड़े आपको नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट आल्सो नोन एज द बॉटम लाइन और नेट इनकम इज द टोटल अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट्स
टोटल रेवेन्यू इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी एंड इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली इट मैनेज इट्स रिसोर्सेज टू जनरेट प्रॉफिट। तो ये बात यहाँ पे याद आपने रखनी है कि जितने ऑल एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है बैंक से उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है वो भी पे करेंगे, टैक्सेस पे करेंगे, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस पे करेंगे, तो ये टोटल रेवेन्यू से जब आप माइनस कर लेते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। ये डेफिनेशन में भी सारी चीज़ें अच्छा। ओवरऑल अगर आपको फार्मूला कोई पूछे, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा, टोटल रेवेन्यू से मुराद क्या है? यहाँ पे टोटल जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपके एसेट बेचते हैं, ऑक्शन करते हैं, या फिर आपका जो लेट्स सपोज कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके ऊपर आपके इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होती जाएंगी। दिस इंक्लूड्स ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द बिजनेस सच एज सेल्स रेवेन्यू। ये तीन चीज़ें, सेल्स रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू, इंटरेस्ट इनकम एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अगर कोई और भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो, डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, तो उसके हिसाब से आपने वो सबको ऐड कर लेना होता है। अब टोटल एक्सपेंसेस में क्या क्या होती है, जो चीज़ आप बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको बनाने में जो आपकी डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, FOH की कास्ट होती है उसको कहते हैं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसी तरह से दूसरा जो एक्सपेंस होता है वो बिज़नेस को रन करने के लिए जो आपको सैलरीज, आपको रेंट, यूटिलिटीज़ के जो बिल्स वगैरह हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, या जो बिज़नेस में जो मशीनरी आप लेके आएँ वो डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस हैं, वो सारे माइनस करेंगे तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इसी तरीके से आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है बैंक से लिया हुआ है या किसी और क्रेडिट एजेंसी से लिया हुआ है तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आप पे कर लेते हैं, तो ये भी आपका एक्सपेंस होता है। इसके बाद आ जाता है फाइनली जो गवर्नमेंट को आपने अपने नेट इनकम में से टैक्स की लायबिलिटी पे करनी होती है। टैक्स जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किया गया होता है वो आपने पे करना होता है, तो टैक्स एक्सपेंसेस। ये चार किस्म के एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस आपने माइनस करने हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS जिसको कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनमें आपकी सैलरीज हैं, रेंट है, यूटिलिटीज़ है, मार्केटिंग है, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट जो आपने लोन लिए हैं, और टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ये चारों किस्म के आपने, या इसके अलावा भी कोई छोटा मोटा कोई एक्सपेंस होगा वो आपको लिटिगेशन वगैरह के वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका जो रेवेन्यू बच जाता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। डेप्रिसिएशन वो होती है जो मशीनरी वगैरह आपने लेके आए हैं उसकी 5 साल की लाइफ है, 10 साल की लाइफ है, तो उसको उतने ही टाइम पीरियड पे आप एक्सपेंड कर देते हैं तो उस एक्सपेंस को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। तो ये टोटल रेवेन्यूज़ जिनमें हमने कहा कि आपकी सेल्स होती है गुड्स की, सर्विसेज की, इंटरेस्ट आपने कोई अर्न किया है, या कोई आप एसेट बेचते हैं और उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा का आप एसेट बेच देते हैं तो वो भी आपकी रेवेन्यूज़ होते हैं। उन सब रेवेन्यूज़ में से चार किस्म के एक्सपेंसेस हमने देखे, जब माइनस कर लेते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले भी हम बता चुके हैं कि ये एक बेसिक इंडिकेटर है जिससे कोई भी इन्वेस्टर है वो देखता है कि मुझे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसकी जो मैनेजमेंट है उसको भी अप्रिशिएट किया जाता है और उनको भी डेफिनेटली जो है वो प्रमोशन मिलती है, उनको बोनसेस मिलते हैं, और जो फर्दर वो प्लानिंग कर रहे होते हैं उसमें मज़ीद बेहतरी के लिए आपकी हेल्प होती है। जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आपकी कंपनी के प्रॉफिट को देख के डिसीजन लेते हैं। तो इसकी जो नेट प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस ही नेट प्रॉफिट की बेसिस पे चल रही होती है। अगर हम कंक्लूड करें तो नेट प्रॉफिट इज़ अ वाइटल फाइनेंशियल मैट्रिक दैट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस बाय सब्सट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी आपके रेवेन्यूज़ हैं, जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, उन सबको ऐड करना है और जितने भी आपके एक्सपेंसेज उनको माइनस करना है, तो जो आपका रेवेन्यूज़ में से रेवेन्यूज़ अगर कम हो जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो लॉस में चले जाएंगे, और अगर आपके रेवेन्यूज़ ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो जो आपका बैलेंस बच जाएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। ये है हमारा टॉपिक, और अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट। ऑप्शन है हमारे पास टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। राइट ऑप्शन इज सी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म इज सिनोनिमस विद द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के साथ सिनोनिमस कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बॉटम लाइन रेवेन्यू। सो ये हमने देखा भी था कि बॉटम लाइन जो है ये इसका सिनोनिम है नेट प्रॉफिट का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज नेट प्रॉफिट इंडिकेट अबाउट अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दोबारा क्वेश्चन रीड करता हूँ, व्हाट डज नेट प्रॉफिट इंडिकेट अबाउट अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए,
इट्स एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू, बी इट्स प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, सी इट्स टोटल एसेट्स, डी इट्स मार्केट शेयर. राइट ऑप्शन इज बी, इट्स प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इसमें से क्या चीज़ कंसिडर नहीं करते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट इनकम, टैक्स एक्सपेंस. राइट ऑप्शन इज इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि ये आपकी इनकम होती, बाकी एक्सपेंसेस होते. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड. नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने फार्मूला देखा भी था, टोटल रेवेन्यू माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, बी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपेंसेस, सी टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यूज, डी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. राइट ऑप्शन इज डी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज अ पॉजिटिव नेट प्रॉफिट इंडिकेट. जब आपका प्रॉफिट पॉजिटिव होता है तो उससे मुराद क्या है. ऑप्शन ए द कंपनी इंकर्ड अ लॉस, ऑप्शन बी द कंपनी मेड अ प्रॉफिट, ऑप्शन सी द कंपनीज रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी द कंपनीज एक्सपेंसेस एक्सीड इट्स रेवेन्यू. राइट ऑप्शन इज बी द कंपनी मेड अ प्रॉफिट, यानी कि उसके रेवेन्यू ज़्यादा थे एक्सपेंसेस से. क्वेश्चन नंबर 7, विच फिनेंशियल स्टेटमेंट टिपिकली शोज अ कंपनीज नेट प्रॉफिट. ऑप्शन ए इनकम स्टेटमेंट, बी बैलेंस शीट, सी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन डी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. राइट ऑप्शन इज ए इनकम स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज अ नेगेटिव नेट प्रॉफिट इंडिकेट. अगर आपका नेट प्रॉफिट जो है नेगेटिव में, उससे मुराद क्या है. द ऑप्शन ए द कंपनी मेड ऑल प्रॉफिट, ऑप्शन बी द कंपनीज रेवेन्यू एक्सीड्स इट्स एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी द कंपनीज द कंपनी इंकर्ड अ लॉस, ऑप्शन डी द कंपनीज एक्सपेंसेस आर इक्वल टू इट्स रेवेन्यू. राइट ऑप्शन इज सी द कंपनी इंकर्ड अ लॉस, क्यों एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे रेवेन्यू से तो आपका लॉस होगा. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रोल डज डेप्रिसिएशन प्ले इन कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. जो डेप्रिसिएशन है इसका क्या रोल है, तो डेप्रिसिएशन का अगेन भी मैं थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा हम पहले फोकस नहीं कर सके थे कि डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंसेस हैं जो आप फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स को लेके आते हैं और जिनका एक ही साल में सारा एक्सपेंसेस माइनस करें तो आप लॉस में चले जाएंगे. इसलिए बेहतर होता है कि आपका वो एसेट जितने साल चलेगा उसके एक्सपेंस को उतने ही सालों पर डिवाइड कर दें. जैसा कि एक मशीनरी आप ख़रीद के लेके आते हैं, 10 साल चलेगी और उसकी कीमत है 10 लाख, तो बजाय इसके कि आप पहले साल में 10 लाख एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे, बेहतर है कि क्योंकि हर साल ये मशीनरी इस्तेमाल होगी, उससे प्रोडक्शन होगी, तो आपके लिए बेटर है आप क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे, उसको 10 साल पर डिवाइड कर देंगे. 10 लाख जो मशीनरी का कास्ट है डिवाइडेड बाई 10 ईयर जो उसकी लाइफ है. अगर वो 20 ईयर की है तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 20, अगर 5 साल पर डिवाइड करना चाहते हैं 10 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो वो आपके जो आएगा वो हर साल में डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं. इससे क्या होता है कि आपका जो एकदम एक्सपेंस आपने किया होता है वो जस्टिफाइड होता है प्रोपोर्शनेटली. आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है उसके अंदर एज एक्सपेंस शो कर लेते हैं, ये आपके रेवेन्यूज़ में से माइनस होता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए. अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, व्हाट रोल डज डेप्रिसिएशन प्ले इन कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. ऑप्शन ए है इट इज़ एडेड टू टोटल रेवेन्यू, ऑप्शन बी है इट इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी है इट इज़ कंसिडर्ड एन एक्सपेंस, ऑप्शन डी है इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट. राइट ऑप्शन इज इट इज़ कंसिडर्ड एन एक्सपेंस. क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ नेट प्रॉफिट एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिक फॉर बिजनेस. बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर क्यों है. ऑप्शन ए इट इंडिकेट्स द कंपनीज टोटल रेवेन्यू, ऑप्शन बी इट शोज द कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ऑप्शन सी है इट मेजर्स द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल एक्सपेंसेज, ऑप्शन डी इट रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज कैश फ्लो. सो राइट ऑप्शन आपने इसमें से चूज़ करना है, तो देखते हैं कि कौन सा आपने ऑप्शन चूज़ किया. राइट ऑप्शन इज सी इट मेजर्स द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि ये कंपनी के जो जितने भी रेवेन्यूज हैं उसमें से माइनस टोटल एक्सपेंसेस शो करने के बाद हमें प्रॉफिट का बताती है. सो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल. होप सो कि आपको नेट प्रॉफिट के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो भी होगी उसमें कोई मसला नहीं होगा, और जो भी क्वेश्चन नेट प्रॉफिट के हवाले से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप
आसानी से उसका आंसर कर सके। और वन पेपर जो प्रिपरेशन के हवाले से हार्वर्ड एकेडमी कोर्सेज ऑफर कर रही है, आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com को विज़िट कर सकते हैं और सक्सेस के लिए आप हमारे इस जनवरी में साथ शामिल हो सकते हैं। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हाजिर खिदमत होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।